सलोनी खन्ना एक यूपीएससी फैकल्टी हैं और वे कई सारे मॉक इंटरव्यूज लेती रहती हैं। तो उन्होंने ये किस्सा बताया कि एक बार एक यूपीएससी एस्पिरेंट ने अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा कि उसे मोटू और पतलू कार्टून देखना पसंद है। अब ये बड़ा ही यूनिक है क्योंकि आमतौर पर इस प्रकार से हॉबीज नहीं लिखी जाती हैं। तो सलोनी जी ने उनसे ये प्रश्न किया कि मोटू और पतलू कार्टून बच्चों में बॉडी शेमिंग को प्रमोट करता है। तो जवाब में उन्होंने ये कहा कि नहीं मैम, मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि मोटू और पतलू में एक आदमी मोटा है और एक आदमी पतला है, लेकिन बावजूद इसके वह दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, जो कि समाज में एक एक्सेप्टेंस देता है। अब ये सवाल काफी फंसाने वाला था, लेकिन उस एस्पिरेंट का जो नजरिया था वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव था। तो इस बात से हम एक चीज सीख सकते हैं कि अगर हमारा नजरिया अगर पॉजिटिव है तो हम डिफिकल्ट चीजों में भी पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेंगे।